Hello and welcome once again. So today we are going to discuss section 92 of the Indian Evidence Act 1872. Section 92, that is exclusion of evidence of oral agreement. अगर हम बात करें section 92 की तो ये वो section है जो section 91 के just बाद की बात कर रहा है. तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं कि section 92 और 91 दोनों को हमें एक साथ पढ़ना चाहिए. section 91 की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद section 92 की वीडियो को देखें. तो सेक्शन 91 में जो थी वो बात करी थी कि कब कब हमको ओरल एविडेंस नहीं देना है, ऐसी कौन कौन से ग्राउंड्स है कि जहाँ पे ओरल एविडेंस बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिया जाएगा. और सेक्शन 92 में बात करी है कुछ ऐसी कंडीशंस की कि कहाँ कहाँ आप ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं. तो अब सेक्शन 92 एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेक्शन 91 का एक एक्सेप्शन है. तो सेक्शन 92 की जो सबसे स्टार्टिंग की लाइंस हैं, ये जो कहती हैं, ये बात कहती हैं, व्हेन द टर्म्स ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब वही 91 की बात रिपीट कर रहा है कि कोई भी ऐसी टर्म जो कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कॉन्ट्रैक्ट से बना हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कोई भी चीज़, कोई भी टर्म, या फिर कोई ग्रांट मतलब गिफ्ट, और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी अदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस्ड टू द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और वो सारे मैटर जो लॉ के द्वारा जरूरी हैं आपको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में बनाने के लिए, जैसे आपको सेल करनी है, आपको लीज पे देना है, मॉर्गेज करना है, तो जहाँ जहाँ बता रखा है कि आपको डॉक्यूमेंट बनाना जरूरी है. अब डॉक्यूमेंट बनता है तो कब रजिस्ट्रेशन होता है, तो जैसे सेक्शन 17 जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट का 1908, उसमें जहाँ सेक्शन 17 में जो जो बातें लिखी हुई हैं कि इन इन चीज़ के लिए आपको डॉक्यूमेंट बनाना है, इन इन चीज़ का रजिस्टर होगा, तो रजिस्ट्री करवाने के लिए वो डॉक्यूमेंट बनेगा, तो वो डॉक्यूमेंट बनेगा, तो वो डॉक्यूमेंट एविडेंस बन जाएगा, उसमें ओरल एविडेंस आप नहीं दे सकते. तो अब इसमें आगे बात कर रहा है, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन. अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन का मतलब ये है कि 91 में जो बात हमने प्रूव करी थी, क्योंकि 91 में ये बात कर रहा था कि आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ही प्रूव हो सकती है, उनका ओरल एविडेंस नहीं दिया जा सकता. लेकिन वहाँ पे भी दो एक्सेप्शन थे कि एक तो विल्स का मैटर करते हो आप, अगर कोई विल्स से मैटर रिलेट करता है तो आप उसका ओवरऑल तो जो ओवरऑल एविडेंस है वो दे सकते हो, और दूसरा उसमें एक्सेप्शन था कि जब कोई पब्लिक ऑफिसर है जो पहले किसी डॉक्यूमेंट फॉर्म में जिसको जिसका अपॉइंटमेंट जो हुआ है वो डॉक्यूमेंट फॉर्म में हुआ है, तो उसके जो एक्ट से आप ये पता लगा सकते हो कि वो पब्लिक ऑफिसर है या नहीं है. जरूरी नहीं है कि जिस दिन उसका अपॉइंटमेंट हुआ था जो अपॉइंटमेंट लेटर है आप उस अपॉइंटमेंट लेटर को ही मंगाओगे. तो यहाँ पे दो जगह ओवरऑल एविडेंस दिया जा सकता है. अब सेक्शन 92 में वो कंडीशंस बता रखी है कि कौन कौन सी कंडीशन ऐसी रहेगी कि उसमें ओरल एविडेंस दे सकते हैं. इसको एक बार हम आगे बार पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन, नो एविडेंस ऑफ एनी ओरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड. तो कोई भी अदर स्टेटमेंट जो लास्ट सेक्शन में बात करें, मतलब वही कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, उससे रिलेटेड हम कोई भी ओरल एविडेंस नहीं देंगे. ये स्टार्टिंग का जो फर्स्ट पैरा इसमें मना कर रहा है कि आपको नहीं देना है. एज बिटवीन द पार्टीज to any such instrument or their representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its term. तो इन जो चार purpose दिए हैं, क्या तो उसको contradict कर रहे हैं, आप उसको against में जा रहे हैं कि उसमें जो बात लिखी document में आप उसके against में कुछ बात कर रहे हैं, varying मतलब जो terms and condition है उनमें ही आप change कर रहे हैं, या फिर कुछ add करना चाह रहे हैं या फिर कुछ हटाना चाह रहे हैं. तो इन चारों condition में आप कोई भी ऐसा oral evidence नहीं दे सकते, वो oral evidence admit नहीं होगा. उनके चाहे रिप्रेजेंटेटिव दे रहे हो या जब वो खुद दे रहे हो जो पार्टी है इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड. तो ये इसमें बात करी 92 के जो फर्स्ट पैरा है इसमें. फिर आगे जो इसके प्रोवाइजो हैं, इसमें टोटल 6 प्रोवाइजो दिए हुए हैं. तो टोटल 6 प्रोवाइजो में साल में यही बात करी है कि कब कब ऐसी कौन कौन सी कंडीशन रहेगी कि ओरल एविडेंस भी किसी भी चीज़ का दिया जा सकता है. तो ये जो पहला प्रोवाइजो ये बात करता है, एनी फैक्ट मे बी प्रूव विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट. तो यहाँ पे जो पहला प्रोवाइजो ये बात कर रहा है, इनवैलिडेट करना है आपको कोई डॉक्यूमेंट का, जहाँ पे डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी की बात आ जाती है तो वहाँ पे आप ऐसा कुछ भी एविडेंस दे सकते हैं जो उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर दे. कैसे? सपोज मान लीजिए कि आपने कोई एग्रीमेंट करा किसी से और वो जो एग्रीमेंट हो रहा था वो एकदम आपके साथ फ्रॉड हो रहा है, उसमें आपका मिसरिप्रेजेंटेशन हो रहा है, आपको डरा धमका के वो एग्रीमेंट करवाया जा रहा है. सपोज मान लीजिए एक पर्सन है, वो दूसरे पर्सन को डरा धमका के आप उसकी प्रॉपर्टी खुद के नाम ट्रांसफर करवा लेता है, और वो जाके 91 जो सेक्शन है उसमें कोर्ट में दिखा देता है, ये देख लो इसने साइन किए हुए हैं, ये इसका साइन है और ये प्रॉपर्टी इसने मुझे
ट्रांसफर कर दी है, लेकिन वो बोल रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी मुझे मैंने जो ट्रांसफर करी है ये इसने मुझे डरा धमका के करवाई है। तो इसमें आगे यही बात करी है, सच एज फ्रॉड, इंटिमिडेशन, इलीगलिटी, वॉन्ट ऑफ ड्यू एग्जीक्यूशन, वॉन्ट ऑफ कैपेसिटी इन एनी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, वॉन्ट और फेलियर ऑफ कंसिडरेशन और मिस्टेक ऑफ फैक्ट और लॉ। तो इन सारे ग्राउंड में से कोई भी एक ग्राउंड पे अगर किसी पर्सन से साथ आपने कोई भी एग्रीमेंट किया और वो एग्रीमेंट पर इन कोई भी इन चीज़ों में से होता है, आप फ्रॉड करते हो, इंटिमिडेशन हो रहा है, इलीगलिटी हो रही है, वांट ऑफ एग्जीक्यूशन है, वांट ऑफ कैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, या फिर फेलियर ऑफ कंसिडरेशन, या फिर मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, तो इन सारी कंडीशन में ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो आपको शायद ही समझ में आया होगा। दूसरा प्रोविजो बात करता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच अ डॉक्यूमेंट इज साइलेंट एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स विच मे बी प्रूव्ड। तो कोई भी एक ऐसी ओरल कंडीशन, कोई भी एक ओरल एग्रीमेंट जो सेपरेट है, जो उस डॉक्यूमेंट से अलग है, लेकिन जिस चीज़ के लिए उस डॉक्यूमेंट में कोई बात नहीं लिखी है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को, उस डॉक्यूमेंट में जो बात नहीं लिखी है, तो उस बात को आप ओरली बता सकते हैं, वो ओरली वो प्रूव की जा सकती है। इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोविजो अप्लाइज, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये बात करी है कि जब आपने किसी डॉक्यूमेंट की, जो आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें आपने कोई एक ऐसी कंडीशन है जो उसमें मेंशन नहीं है, या फिर वो चीज के लिए डॉक्यूमेंट साइलेंट है, तो उसके लिए आप वो बात कह सकते हैं, लेकिन वो एक तो इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए उस डॉक्यूमेंट से। और फिर लिखा, इन कंसिडरिंग वेदर और नॉट दिस प्रोविजो अप्लाई, द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। कोर्ट वो है जो कोर्ट क्या करेगा, जो डॉक्यूमेंट बना है उसके अकॉर्डिंग ही देखेगा कि ये डॉक्यूमेंट में ये जो बात करी है इसके इनकंसिस्टेंट तो नहीं है, अगर इनकंसिस्टेंट होगी तो वो बात नहीं मानी जाएगी। इसका एग्जांपल मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए आपने आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, जैसा कि ट्रांसफर प्रॉपर्टी में बता रखा है कि सेक्शन 17 में डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन होता है, कि आपने अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हैं तो आप एक ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होगी वो इतने टाइम पीरियड तक इस ट्रस्ट के पास जाएगी, या फिर इतने टाइम पीरियड तक इन लोगों के पास जाएगी। अब वहाँ पे आपने बोल दिया कि जो इस प्रॉपर्टी से जो इनकम होने वाली है वो मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास जानी चाहिए। तो यहाँ पे जब आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी तो ऐसी कंडीशन बन गई, अब उनमें झगड़ा हो जाता है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव में झगड़ा हो जाता है, वो बोलते हैं कि भाई जो इस प्रॉपर्टी से इनकम आने वाली है वो मेरे लिए है, दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल रहा है कि नहीं ये मेरे लिए है। तो यहाँ पे जब ये डिस्प्यूट वाली बात आ गई तो वहाँ पे ये प्रूव किया जा सकता है ओरल एविडेंस देके कि मैंने किस पर्सन के लिए बोला था कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव मेरे हिसाब से कौन होना चाहिए, ऐसा आप ओरल स्टेटमेंट दे सकते हैं, वो ओरल स्टेटमेंट यहाँ पे मान लिया जाएगा। फिर थर्ड प्रोविजो बात करिए, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू द अटैचिंग ऑफ एनी ऑब्लिगेशन अंडर एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी मे बी प्रूव। तो इसमें ये कह रहा है कि कोई आपने एक कंडीशन प्रेसिडेंट है कि आपको कोई भी एग्रीमेंट आपने बनाया, लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा कि इस जो एग्रीमेंट बन रहा है इसका फुलफिलमेंट तभी होगा जब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो एक कंडीशन प्रेसिडेंट है, मतलब वो चीज जो फुलफिल होगी उससे पहले एक कंडीशन है उसका फुलफिल होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर, मैं मेरे पास कोई पर्सन आते हैं कि आप हमें उनका कि आपको मुझे मेरे पास कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि आपका घर हमें चाहिए रेंट पे। तो मैं बोलता हूँ कि मैं ठीक है, मैं आपको रेंट पे मेरा घर दे दूंगा, आपका किराया 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है आप 1 तारीख से हमसे किराया ले लेना, नेक्स्ट मंथ की जो भी 1 तारीख होगी, लेकिन आपने ये जो प्रॉपर्टी अभी जिसके जिसके पोजिशन में है उस पोजिशन से उसको आप खाली करवा दो, क्योंकि हम 1 तारीख से आएंगे तो 1 तारीख से हमको रहना है। तो वो अगर ऐसी कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन ये प्रेसिडेंट है, तो इस कंडीशन प्रेसिडेंट और अगर मैं वो खाली नहीं करवाता हूँ और 1 तारीख से बोलता हूँ आप किराया दो, तो वो ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं इस चीज़ का कि हमने आपसे बोला था कि आपको ये जो मकान है इसको खाली करवाना है, लेकिन आपने खाली नहीं करवाया, तो यहाँ पे ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, तो इस कंडीशन प्रेसिडेंट को आप प्रूव कर सकते हैं। प्रोविजो 4 बात करते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट टू रिस्काइंड और मॉडिफाई एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। फिर इसमें बात करिए कि कोई ऐसी कंडीशन जो कंडीशन क्या है, सब्सिक्वेंट ओरल एग्रीमेंट है, मतलब वो कंडीशन क्या है कि जब आप डॉक्यूमेंट बना लोगे उसको एग्जीक्यूट कर लोगे, लेकिन उसके एग्जीक्यूट के बाद वो कंडीशन एक्शन में आएगी कि अगर कुछ ऐसा होगा तो हम जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ग्रांट हो रहा है या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है, वो रेस्काइंड हो सकता है और मॉडिफाई हो सकता है, ये
जो दो वर्ड लिखे हुए हैं यहाँ पे, रेस्काइंड और मोडिफाई, तो इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है अगर कोई भी ऐसी वो कंडीशन बनाते हैं कि वो सब्सिक्वेंट कंडीशन है। फिर इसमें एक चीज ये और करिए कि एक्सेप्ट इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजन प्रॉपर्टीज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग और हैज बीन रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग एज टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो इसमें वही 91 वाली बातें करी हैं कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड बाय लॉ है रजिस्टर करवाना, जिसको राइटिंग में करना, या फिर आपने वॉलंटरी कोई चीज ऐसी जो है कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन का है आपने वो रिटर्न में किया है, तो उन चीजों में ये नहीं लगेगा। तो ये कहाँ लगेगा कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना उस चीज का जरूरी नहीं है और आपने कोई एक कंडीशन दी और उस कंडीशन वो ओरल कंडीशन है, वो डॉक्यूमेंट में है ही नहीं, वो ओरल कंडीशन है, और वो अगर वो कुछ ऐसा एक्ट होता है तो वो आपने जो एग्रीमेंट बनाया है जो भी ट्रांसफर किया है वो रेस्काइंड या मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब एंड हो सकता है कैंसिल हो सकता है। रेस्काइंड मतलब एंड या मॉडिफाई, चेंज करना है तो ऐसा हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज मान लीजिए कि मैं 6 महीने की किसी पर्सन के लिए लीज क्रिएट करता हूँ, तो मैंने अगर किसी के लिए फेवर में लीज क्रिएट करी है और मैं उससे कहता हूँ कि मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी लीज पे दे रहा हूँ लेकिन आपको मेरी प्रॉपर्टी का जो पेंट है इसको चेंज नहीं करना है, मतलब जो मेरी प्रॉपर्टी का मैंने कलर करवा रखा है इसको चेंज नहीं करवाना है, लेकिन अगर वो मेरी प्रॉपर्टी का जो कलर है उसको चेंज करवा देता है तो यहाँ पे हमने बोला था कि अगर चेंज करवा दोगे तो हम आपको मान लेंगे कि लीज खत्म है, उस दिन से लीज कैंसिल हो जाएगी, उस दिन से लीज एंड हो जाएगी। तो यहाँ पे मॉडिफाई हो गई एक तरह से, रेस्काइंड हो गई लीज, यहाँ पे खत्म हो गई लीज। तो ऐसा मैं स्टेटमेंट जो है ओरल एग्रीमेंट में दे सकता हूँ, और जो लीज है वो 6 महीने के लीज के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है, तो वो ऐसा भी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो इसकी जो नीचे वाली जो सेकंड कंडीशन है इससे हिट भी नहीं होगा। प्रोविजो 5 बात करते हैं, एनी यूजेस और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली एनेक्स्ड टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द डिस्क्रिप्शन, सो द डिस्क्रिप्शन मे बी प्रूव्ड। अब यहाँ पे बात करिए कि कोई ऐसा भाई यूजेस या कस्टम चला रहा है, तो उस कस्टम को आप कॉन्ट्रैक्ट से डील कर सकते हो, उसका उससे ये जुड़ा हुआ मानेगा। सपोज मान लीजिए कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा कि आप मुझे 100 किलो गेहूं भिजवा दीजिए। अब उसने दिल्ली से मुंबई गेहूं भिजवा दिए, तो जब दिल्ली से और मुंबई गेहूं गए तो जो ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा आया है, तो ऐसा एक कस्टम चला आ रहा है कि जो परचेजर होता है उसी को ट्रांसपोर्ट का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये कस्टम चला आ रहा है, तो अगर जो परचेजर है यहाँ पे तो जिसके पास गेहूं पहुंचा है उसको उसका पेमेंट करना पड़ेगा, जो सेलर है उसको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का पेमेंट करनी नहीं है। तो एक तरह से एक कस्टमर यूजेस की बात कर रहा है, तो इसके लिए भी आप एक ओरल एग्रीमेंट दे सकते हैं कि जो परचेजर है उसी को पेमेंट करना होता है, ऐसा कस्टम चला है। फिर इसमें बात करी, प्रोवाइडेड दैट द एनेक्सिंग ऑफ सच इंसिडेंट वुड नॉट रिपग्नेंट टू द इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यही बात है कि वो जो आपने जो स्टेटमेंट दे रहे हो वो इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए उस टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आप बनाओगे उससे इनकंसिस्टेंट है ही नहीं ये बात कि आप पेमेंट करो और नहीं करो, क्योंकि ऐसा कस्टम चला रहा है कि जो परचेजर है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। प्रोविजो 6 बात करता है, एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड व्हिच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट। तो इसमें ये बात करिए कि आप कोई भी ऐसी चीज जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपने बनाया उसमें छुपी हुई है, तो आप उसको बता सकते हो कि ये किस मैनर में, किस टाइम पीरियड में, किस सर्कमस्टेंसेस में ये लिखी गई है, तो उसके लिए भी आप एक ओरल एविडेंस दे सकते हो, उसके लिए भी ओरल एविडेंस अलाउड है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।